हेडिंग लिखा हुआ है आज के लेक्चर की, दैट इज कोलराश लॉ। कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। लिखो इसे, इट स्टेट्स दैट at infinite dilution when dissociation is complete, each ion of the electrolyte contribute independently independently towards molar conductance of the electrolyte irrespective of the other ions, irrespective of the other ions present in solution, the molar conductivity of electrolyte is equal to sum of individual contributions of ions constituting the electrolyte। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप इसे समझते हैं, ये लिखा क्या है। हाँ, इसको एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल, कंसिडर three electrolytes
ए बी सी डी एंड ए डी एंड ए डी ए बी सी डी एंड ए डी लाइक एन ए सी एल, ठीक है, के बी आर एंड एन ए बी आर, तीन हो गए, ठीक है, अलग अलग. अकॉर्डिंग टू कोलराज लॉ, अकॉर्डिंग टू कोलराज लॉ, इसको ओपन करके लिखोगे, अकॉर्डिंग टू कोलराज लॉ, लैम्डा नॉट ए बी, अब स्टेटमेंट का मतलब समझो क्या आएगा, इज इक्वल टू ए बी के आयंस क्या बनेंगे बच्चे, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, यही होंगे ना. सो लास्ट लाइन देखो, इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट बी नेगेटिव, इज दिस ओके, ठीक है, ओके. एंड दूसरे वाले के भी लिखो, लैम्डा नॉट सी डी, लैम्डा नॉट सी डी क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट, हाँ जी, सी लैम्डा नॉट सी पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट डी नेगेटिव, इज दिस ओके, ठीक है. अब जो लैम्डा नॉट ए डी है, लैम्डा नॉट ए डी, ठीक है, ये क्या होगा, लैम्डा नॉट ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट डी नेगेटिव, यहां तक ठीक है. मींस जो टोटल मोलर कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी, इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल द आयंस. दूसरी चीज यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज यहां पे जो ए की कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, दैट इज यूनिक, ठीक है, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ बी नेगेटिव. यहां पे सपोज अगर इसकी वैल्यू एक्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो यहां पे भी इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, दैट इज ऑल इक्वल टू एक्स. समझ आई चीज क्या है, अगर वहां पे एक्स है तो यहां पे भी एक्स ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता साथ वाला आयन क्या है, बी नेगेटिव है या डी नेगेटिव है, सी एल है, बी आर है या आयोडीन है, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी. सिमिलरली सेम कैन बी सेड अबाउट दिस वन, अगर इसकी वैल्यू यहां पे वाई है तो यहां पे भी क्या होगी, इसकी वैल्यू वाई ही रहेगी, ठीक है, या कोई भी वैल्यू एक्स वाई जी एनीथिंग. अब लाइन देखो रीड करके, पहले वाली लाइन, ये फर्स्ट लाइन का आंसर है, यही पे लिखा है ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट, मतलब ईच आयन है जो वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, ठीक है, देन इंडिविजुअल आयन्स मेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, एग्जैक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस टूवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयन्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे इन केस ऑफ ए बी, ए पॉजिटिव की कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स है, दैट इज एक्स, अब ए के साथ बी हो सी हो डी हो ई हो जे हो कोई भी हो एनी आयन, वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये है कोलराज लॉ. लेकिन यहां पे क्यों कर रहे हैं हमने, हमने एक्चुअली करना क्या है, क्या टॉपिक है, हाउ टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है. तो शायद रहते ना फैन दी स्विच है ऑन कर दे यार, आई थिंक हीट अप हो रहा है, चल ही नहीं, रुक रहे हैं. इतने नहीं, एक सेकेंड, हाँ यही है, थैंक यू.
ठीक है, नोट कर लो, स्टेटमेंट लिख ली थी ठीक, दैट इज कोलराज लॉ। और इसके क्वेश्चन आज जो करने हैं इजी वाले हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर कैल्शियम क्लोराइड फ्रॉम द गिवन डाटा। ये कुछ डाटा गिवन है, फ्रॉम दिस डाटा बाय यूजिंग दिस डाटा कैलकुलेट लैम्डा नॉट CaCl2। ऑप्शंस भी हैं, लिख लो पहले क्वेश्चन फिर करवाता हूँ। उसको बुखार आज ही हुआ है या पहले से था? एग्जाम फीवर तो नहीं? आदित्य तेरी होगी तैयारी टेस्ट की? कितने बजे रखें? हो गया दूसरे टाइम डिसाइड? मैंने तो आपको बोला ही था। ओ, होगा तो सही, फिर टाइम आप डिस्कस, कोई फिक्स टाइम नहीं है? अच्छा, जब मर्जी आके दे दो फिर, ठीक है, फिर 10:30 रखते हैं ठीक है। 9:30 रख, तो मैं तो पूछ रहा हूँ, फिर 10:30 ठीक है, उसके पहले दे आना, आराम से देना फिर बैठ के। नहीं, वो एक छुट्टी होती है यार, एक भी नहीं, हाफ डे होता है छुट्टी, सिर्फ संडे। आपकी भी आई थिंक वही होती होगी, क्यों खराब करनी है मेरी भी अपनी भी। हाँ जी, अच्छा देखो पहले क्वेश्चन नोट कर लिया, अब इसे प्लीज ध्यान से करना भी घर जाके, या बाद में कभी इसकी जरूरत ही ना पड़े। ये बहुत इजी है क्वेश्चन, सिर्फ ऐड करने हैं। है क्या? उस कैल्शियम क्लोराइड के आयंस बनाओ, CaCl2। क्या आयंस बनेंगे बेटे इसके? Ca2 पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयंस कितने बनेंगे? Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, दो बन गए ना ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे तो ऑब्वियसली पता होगा कैल्शियम टू पॉजिटिव है, सीएल सिंगल नेगेटिव है, नहीं पता तो थ्री आयंस तो दिख रहे हैं ना। ओके, इसी से काम चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू कोलराज लॉ, क्या कहता है कोलराज लॉ, क्या होएगा? लैम्डा नॉट CaCl2 किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा नॉट Ca2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ये ठीक लिखा है या कुछ प्रॉब्लम है इसमें? इज दिस ओके? गलत है या ठीक है? एक और आएगा, टू आयंस, टू टाइम्स। ओके, सो वैल्यू ऐड कर दो, कैल्शियम मोलर कंडक्टिविटी लिखा होगा 119 प्लस टू टाइम्स 76.3। देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है आंसर। आई थिंक यही आना चाहिए, 271.6 ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बाकी एक बार चेक करके देख लो, एग्जैक्ट सेम है। तो ये मतलब
कॉलराश लॉ के जो न्यूमेरिकल है, वन ऑफ द इजीएस्ट पूरे कोर्स में, इजीएस्ट कंसिडर कर। इनऑर्गेनिक के आपके पास कौन कौन से हैं? डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फिजिकल। ठीक है, नोटेड। अब तो बड़ा सिंपल सा फंडा है सीबीएसई के लिए, तो फाइव फर्स्ट बुक में से चैप्टर्स हैं, फाइव सेकंड बुक में से चैप्टर्स हैं। हाँ हाँ जी, सब वही है चैप्टर्स, उनके आगे चैप्टर्स के सब पार्ट्स। जैसे इसी को देखोगे आप, ऑब्वियसली ये लेंथी चैप्टर है, फिर ऑर्गेनिक के देखोगे वो इससे भी लेंथी चैप्टर है, बहुत लेंथी है। मतलब पहले चलो थोड़ी सी डिलीशन थी, कुछ भी नहीं है, मीन्स वर्ड टू वर्ड जो करना है बिल्कुल भी नहीं, सिंगल वर्ड भी नहीं। जो मेन टॉपिक्स हैं उनमें से कोई की डिलीशन नहीं हुई है, ऐसे बोलूँगा जो डिलीशन हुई है। इनफैक्ट बच्चे आपको, आपको तो नहीं, किसी ने पहले प्लस टू एक दो साल पहले करी है, 3 साल पहले, आप भी जो पेपर दे रहे हैं उनसे कंपैरिजन करके देखना, वो बोलेंगे ये आपका डिफिकल्ट हो गया है। रीजन है जो इजी इजी बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर होते हैं, जो कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे रीड करके डायरेक्ट ही आंसर्स हो जाते थे, वैसे में कट हो गए हैं। हाँ जी, नहीं, ड्रा नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ भी इजी स्कोरिंग वैसा नहीं है। अभी आप रीड करके, जैसे एक सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर था वो आपको कट हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री बिल्कुल थ्रेटिकल था, डेफिनेशंस थी, अब्जॉर्प्शन एडसॉर्प्शन ऐसे सिंपल चीज़ें, सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशंस वैसा कुछ है। चेक कर, तू ऐड करना है यार, डॉट डॉट क्या देख रहा है, खुद करना कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ठीक है, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराश लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराश लॉ। इसलिए इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज टू कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे लास्ट चैप्टर एंड करा था, जो ग्राफिकल मेथड से नहीं फाइंड कर पाए थे, इस मेथड से फाइंड करेंगे कोलराश लॉ से। ऐसे करना है, इसको एक एग्जांपल से करना है। लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या हुआ, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई यूजिंग लैम्डा एम नॉट वैल्यूज ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? CH3COONa, HCl एंड NaCl। बाई यूजिंग लैम्डा एम नॉट वैल्यूज ऑफ दीज थ्री स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एज एक्सप्लेन्ड बिलो।
ठीक है। यहाँ पे देखो हमें चाहिए क्या, रिक्वायर्ड इज लैम्डा एम नॉट वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड। पहले रिक्वायर्ड पे आ जाओ, दैट लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड अकॉर्डिंग टू कॉलराज लॉ आप क्या लिख सकते हो इसे, इट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव, ठीक है, प्लस लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव। इज दिस ओके? अगर हम देखो, हम ग्राफिकल मेथड से लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड तो फाइंड नहीं कर सकते, बट अगर उन वैल्यू को किसी मेथड से, किसको, लैम्डा नॉट एसिटेट आयन एंड लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव को किसी तरह से अगर इन इंडिविजुअल को कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे एंड वी विल गेट लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड, यही होगा ना। सो टारगेट है इन्हें इंडिविजुअली फाइंड करना, ठीक है। दिस इज आवर टारगेट इक्वेशन, ये बनानी है हमें कहां से, बाय यूजिंग दोज थ्री स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को लिख रहा हूं, पहले था सोडियम एसीटेट, दैट इज सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए, लिखवाओ इसे क्या होगा, ये लैम्डा नॉट सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट एन ए पॉजिटिव, ठीक है। अगला नेक्स्ट लैम्डा नॉट एच सी एल, इसे क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट सी एल नेगेटिव। नेक्स्ट वन लैम्डा नॉट एन ए सी एल, इसे क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा नॉट एन ए पॉजिटिव लैम्डा नॉट सी एल नेगेटिव, ठीक है। अब बच वो जैसे लिखा हुआ है इसलिए है, बाकी कोई नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव ही आता है, तो सोडियम पहले लिख ले, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अब देखो आयन्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, विच टू आयन्स आर रिक्वायर्ड, कौन से, हाँ सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव, वो कहाँ से मिलेगा, दिस, ये मिल गया। और दूसरा आयन कौन सा चाहिए, एच पॉजिटिव, वो यहाँ से होएगा, ठीक है। सो अगर ये इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन अगर वन है, ये इक्वेशन टू है, ये इक्वेशन थ्री है, वन और टू को आप ऐड कर दो, वन और टू ऐड हो जाएगी। अगर वन और टू ऐड करोगे तो शायद तो देख एसीटेट आयन भी आ जाएगा, एच पॉजिटिव भी आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, ये तो नहीं चाहिए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं रिक्वायर्ड है ना। ऑल्सो दिस वन इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए था, वी रिक्वायर ओनली एसीटेट एंड एच पॉजिटिव, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, सोडियम एंड सी एल नेगेटिव, उसे क्या करोगे, सब्स्ट्रैक्ट। सो क्या बन जाएगा एक्चुअली ये, हाँ जी क्या बनेगा ये, वन प्लस, इसे करो यहाँ पे, इस साइड कर रहा हूँ मैं, वन प्लस टू माइनस थ्री, वन प्लस टू माइनस थ्री, मैं फ्रेश पेज पे करूँगा, पहले यहाँ तक नोट कर लो। क्या चीज़, आप नहीं करना, मैं करवाना है, पहले यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है नोटेड। अब देखो वन, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखवाओ, दोबारा लिख दूं, वन प्लस इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री, लेफ्ट हैंड साइड लिखवाओ पहले,
लैम्डा नॉट, बोलो भाई लिखा हुआ आपने है सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस लैम्डा नॉट एच सी एल, हाँ जी, माइनस लैम्डा नॉट एन ए सी एल। एक्चुअली यू गॉट योर आंसर, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए पूरा करते हैं। राइट हैंड साइड इसी के आयंस लैम्डा नॉट सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट एन ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट सी एल नेगेटिव माइनस थ्री माइनस लैम्डा नॉट एन ए पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट सी एल नेगेटिव। यही बना ना, जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल करो। क्या चीज़ कैंसिल होगी? सोडियम सोडियम क्लोरीन क्लोरीन। बचा क्या? जो बचा है दैट इज योर टारगेट इक्वेशन। क्या बचा बच्चे? लैम्डा नॉट सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव, हाँ जी, प्लस लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव, यही चाहिए था। सो वी कैन कंक्लूड, हमने कैसे कैलकुलेट करा लैम्डा नॉट सी एच थ्री सी ओ ओ एच एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कैसे फाइंड करी? बाय यूजिंग मोलर कंडक्टेंसेज ऑफ सोडियम एसिटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड, ऑल थ्री आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो फाइनली आंसर लिखो लैम्डा नॉट कैसे सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस लैम्डा नॉट एच सी एल माइनस लैम्डा नॉट एन ए सी एल, ठीक है। सो बाय यूजिंग कोलराश लॉ वन कैन एक्चुअली कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंसेस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ इनकी वैल्यू ही होगी, आएगा तो न्यूमेरिकली, ठीक है। अच्छा ये जरूरी नहीं है न्यूमेरिकली हो, एक बार हुआ हुआ है, इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है, एक्सप्लेन हाउ मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, फ्रॉम कोलराश लॉ। तो आप जैसे मैंने एक्सप्लेन करवाया ना, ये लिखोगे पूरा, ठीक है। मतलब से यही एग्जांपल लेके, आपकी मर्जी है, इस एग्जांपल से कर सकते हो या किसी और एग्जांपल से कर सकते हो। मैं सेकंड आपको देता हूँ करने के लिए एग्जांपल, पहले से नोट करो। ये ठीक है, आपने हो गया, लिखो फिर क्वेश्चन। ये क्या हुआ? इसका करो कैलकुलेट लैम्डा नॉट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, फॉलोइंग डेटा, ठीक है। यहाँ पे है इलेक्ट्रोलाइट गिवन, क्या है आपको? इलेक्ट्रोलाइट गिवन है और इसकी लैम्डा एम नॉट वैल्यूज गिवन है। इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम क्लोराइड, अच्छा अमोनियम क्लोराइड तो बहुत ही, एक सेकेंड रखो, अमोनियम ब्रोमाइड कर लो, अमोनियम ब्रोमाइड KBr and
बी आर के ओ एच, और इसकी वैल्यूज हैं एक्स वाई जेड इन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बिल्कुल सेम तरीके से करना है जैसे अभी करवाया। इन वैल्यूज को यूज करके कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सेम क्वेश्चन ऑलवेज से एज अ नोट्स प्रॉपर सॉल्व करना है। ये सिंगल सिंगल आयंस लिख के क्या टारगेट इक्वेशन है। आ गया क्या आया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई बता दो। दे तेरा आया कुछ आयंस बने। हाँ जी मन्नत क्या आया। सेम है। हाँ जी ये देते हैं क्या कह रहा है कुछ दिखाऊं भी करा क्या है दिखा आए दिखा अमोनिया। हाथ हाथ सही गया। टारगेट इक्वेशन ही ठीक नहीं है तेरी। आयंस क्या बनेंगे अमोनियम आयन अलग बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन अलग बनेंगे। दो बनेंगे ना ऐड करके तो आयंस ही नहीं लिखे। हाँ तेरे ठीक है स्मॉल लैम्डा ठीक है। टारगेट इक्वेशन मीन्स लिखेगा क्या लैम्डा नॉट एन एच फोर ओ एच इज इक्वल टू दिस ठीक है। मीन्स इन दीज थ्री ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है अमोनियम एंड दूसरा क्या फाइंड करोगे हाइड्रोक्साइड। अमोनियम यू विल गेट फ्रॉम फर्स्ट हाइड्रोक्साइड फ्रॉम थ्री। सो 1 + 3 - 2 दैट्स इट ठीक है। ठीक है प्लस यहां से सिर्फ आयंस देखो। देखो मेन तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आयंस हैं जो नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं अभी। आयंस
लर्न करने हैं, नहीं फिर मैं वैलेंसी शीट दूंगा अगर आयंस में कन्फ्यूजन करोगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो आयंस क्या है अकॉर्डिंग टू कॉलराज लॉ, क्या लिखोगे इसे? लैम्डा नॉट, हाँ जी, NH4+, इसे बोलते क्या है? अमोनियम आयन, ठीक है। प्लस दूसरा आयन क्या है इसके साथ? हाइड्रोक्साइड आयन, OH-। दिस इज आर टारगेट इक्वेशन। कहाँ से मिलेगी? अब मैं पूरा पूरा नहीं सॉल्व कर रहा इसे। नॉर्मली देखो हाइड्रोक्साइड आयन हमें किससे मिल जाएगा? फ्रॉम NaBr, इज दिस ओके? और OH कहाँ से मिलेगा? KOH। सो क्या लिखोगे इसे? आंसर लिखो इसका प्लीज। लैम्डा नॉट NH4OH इज इक्वल टू, किन्हें ऐड करूं? लैम्डा नॉट NH4Br प्लस लैम्डा नॉट KOH, ठीक है। अमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आ गए, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? Br एंड K, सो इट इज -KBr। इज दिस ओके? फाइनल आंसर लिखो। X प्लस Z माइनस Y। एक्स प्लस जेड माइनस वाई, दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सेकंड एप्लीकेशन है इसकी, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कॉलराज लॉ, टू कैलकुलेट अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका सिंबल आपने पहले करा हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वांटम फैक्टर में करा था ना, बात सेम है। अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका फॉर्मूला लिखो। अल्फा इज लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, ठीक है। लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज लैम्डा एम? हाँ जी, हाँ, ये क्या लैम्डा एम क्या हुआ? दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे होगी, ठीक है। बट दिस वन इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाल्यूशन, जीरो कंसेंट्रेशन, ठीक है। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर एट इनफाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तभी तो अल्फा की वैल्यू जीरो और वन के बीच में आएगी। हाँ जी भाई, छोटी ही करनी है, रिमेंबर, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? जीरो और वन के बीच में, यही होती थी, जीरो से, ठीक है। अगर आप भूल भी जाओ भी लैम्डा एम नॉट ऊपर लिखना है या लैम्डा एम नॉट नीचे लिखना है, तो आंसर से पता लग जाएगा। जिसमें वन से नीचे आंसर आया वो है, ठीक है। ये जनरल कन्फ्यूजन है। अच्छा फिर कर देते हैं, अभी लैम्डा एम ऊपर लिखोगे यार, ठीक है, इससे, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन भी लिखो इसकी,
of Kolrash law to calculate dissociation constant dissociation constant Ka for weak electrolyte. Ka ka formula likho, it is equal to C alpha square by 1 minus alpha. Say likhte C alpha square divided by 1 minus alpha. Or if alpha is less than 1, to kya likh doge? Ka is equal to C alpha square. To denominator mein alpha ko ignore kar doge. Theek hai? Wahan pe C kya hai? Where? C is concentration in mole per liter. और जब concentration mole per liter में हो, हम उसे क्या बोलते हैं? Molarity. ठीक है? So where C is molarity. ठीक है? तो C अल्फा स्क्वायर है, या फिर इसे आप लिख सकते हो M अल्फा स्क्वायर. वाली रख फोन साइड. अच्छा जब टेस्ट हैं जी के ए टेस्ट रिवाइज कर रहे थे, यहां तक पहुंच गए कॉलिगेटेड प्रॉपर्टीज तक? अच्छा चलो एक हिंट देता हूँ क्वेश्चन का. कोई भी जनरली हमने पढ़ा ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. मेरा क्वेश्चन है व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, कोई भी आ जाए आंसर यही होना है. क्या होता है एक्सप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम. मतलब मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है, एंड मोलैलिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, देयरफॉर डेल्टा टीबी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओके, बस इसके क्वेश्चन करने हैं एक दो. हाँ जी, कहाँ पे? हाँ, उसका मतलब होता है लेस देन वेरी लेस, वेरी वेरी लेस. ठीक है, अदरवाइज अल्फा तो 1 से कम हो गई, वो तो श्योरिटी है. ठीक है, बट यहां पे इस 2 बार या 3 बार डालने का मतलब बहुत कम. ठीक है, इस पे क्वेश्चन देखो. नहीं, चैप्टर ये हाँ फिर हो जाता है स्कूल में खत्म. सिर्फ एक ही हुआ है ना 2 दिन में, एक लेक्चर में 2 चैप्टर भी खत्म हो जाते हैं. वो हो जाते हैं अगर वो करवाने ही हो तो हो भी जाते हैं. अच्छा क्वेश्चन लिखो इसे. ऑप्शंस रहने दो.
ये चीजें के बारे में केयरफुली नोट करना, एप्लीकेशंस रीड कर लो, 2 मिनट लगा लो। आपके स्कूल में करवा रहे थे चैप्टर स्लो स्लो पहले? पहले हमारी काफी कुछ करवाया है, ये काफी जल्दी पहुंच गई यहाँ पे। क्या तो आपने बीच में नहीं करवाया अभी? किसने? अब बीच में कुछ है स्टार्टिंग कोर्स? हम पहुंच गए, हमने तो चैप्टर स्टार्ट करा है अभी। वही मैं सोचती हूँ, लेकिन 5 मिनट तो करवा दो, चैप्टर खत्म भी हो गए हो, तो उसके बाद और चैप्टर बनाने। ये तो फर्स्ट टॉपिक है। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू फोर हाँ सब वही, मैंने टॉपिक्स। वो अभी कल परसों ही करवाया था। वो नहीं, मुझे पता भी क्या होगा, मैं ऐसे वैसे बता देता हूँ। मुझे बाद में हाँ, बता ये देना आप। फोर टॉपिक्स में है ये चैप्टर। वी आर ऑन फर्स्ट टॉपिक, आज फर्स्ट टॉपिक एंड करेंगे, सर आप पहले और वाला बता दो। नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड टॉपिक एंड करेंगे। उसके बाद जो दो टॉपिक्स हैं वो लेंथ ही हैं, उसे तो हर टॉपिक को करने के लिए मिनिमम 3 3 4 4 लेक्चर चाहिए, कौन सा वाला? नर्स्ट इक्वेशन वाला। उसमें तो नहीं वो हमको पहले करवाया था, हाँ वो हो सकता है, वो कोई उसको नहीं हो। तभी चल रही है। इस चैप्टर से लेंथी या ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, आई डाउट भी कोई और चैप्टर भी करेंगे, सबसे लेंथी है पूरे सिलेबस में। और ये लास्ट ईयर हाफ से भी कम था, अब फुल फ्लेज चैप्टर आए। हाँ जी, देखो, नोट करा, दोबारा देख लो, ऊपर इनफाइनाइट नॉट देख के पाया आप में, जो बोर्ड में लिखा हुआ है आपकी कॉपी में कुछ डिफरेंट तो नहीं है? देख लो, होगी गलती, इन इनमें बोल रहा हूँ। एक इनफैक्ट सेम है ना, ये दो में है, ठीक है, एक में नहीं है, क्योंकि वहीं पे गेम है पूरी। ये देखो, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा? व्हाट विल गेट? लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड। क्या होता है बच्चे? लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एसीटेट आयन CH3COO- प्लस लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव। वैल्यूज क्या है? फोर एसीटेट इज 40.95 और दूसरे वाला दैट इज 349.15। ऐड करो, कितना आ रहा है? 305, यही है या 391.10? ओके, ठीक है, दिस यूनिट्स लिख देना, जो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और ये आपको गिवन है, लैम्डा CH3COOH गिवन है, क्या वैल्यू है? 390.01। क्या चीज है ना, ऐड करके देख लो प्लीज, ऐड कर लेना, ठीक है। ओके, क्या फाइंड करना था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। फॉर्मूला लिखवाओ, लैम्डा CH3COOH डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट CH3COOH। इज दिस ओके? सो 39.01 डिवाइडेड बाय 390.1, आंसर क्या आया? 0.1। और अपनी रेंज में भी आ रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से ज्यादा, 1 से कम, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड परसेंट डिसोसिएशन, ये भी लिख लो, कई बार बच्चे वहीं पे छोड़ देते हैं। अगर परसेंटेज डिसोसिएशन पूछते, परसेंट डिसोसिएशन मतलब परसेंटेज ऑफ अल्फा, वो क्या होता बच्चे? ये फर्स्ट पार्ट तो आपने अल्फा तो कर दिया, परसेंटेज ऑफ अल्फा कैसे निकालते? परसेंटेज ऑफ अल्फा इज इन टू 100 कर देते, क्या हो जाता वो?
10%, ठीक है। मीन्स जो भी है, जो ये एसिटिक एसिड है, ये सोल्यूशन में कितना कितना डिसोसिएटेड है, इट इज डिसोसिएटेड 10%। इसका मतलब क्वेश्चन इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको किसी स्कूल में या बोर्ड में या कंपटीशन में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा कंफर्म, कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन होगा पूरे कोर्स में, जब भी करोगे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो आपको पक्का आएगा। ठीक है, फिर भी दोबारा अगर एग्जाम में भी कंफ्यूज हो गए, आपको फॉर्मूला पता नहीं लग रहा, आप कंफ्यूज हो गए भी लैम्डा एम न्यूमिरेटर में लिखना है या डिनोमिनेटर में, आंसर सॉल्व करके देख लो रफ में क्या आना चाहिए, वन से कम, चेक भी हो जाएगा वो, ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट न्यूमेरिकल हो गया, मतलब तू ज्यादा ही सीरियसली दुखी है, टेस्ट वाला या कुछ और प्रॉब्लम है लग रहे हैं थोड़े, सारे तो इसमें होश उड़े हुए हैं, है ना, इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ। हाँ फिजिक्स का ही कह रहा हूँ, वो केमिस्ट्री का तो ऑब्वियसली लो ऐसे, हूँ तुम मानते नहीं है, हूँ टीचर से नहीं सुन रहे हूँ मैं, देखो मैनू नहीं उन्हें पता, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और के क्यों बोलूँगा, कर क्वेश्चन ठीक करना, गलत हुआ फिर दोबारा, थोड़ी सी करेक्शन है मैं करवा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगर गलत करोगे। ये आयन है दिस HCOO नेगेटिव, और कुछ हाँ मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिखवा दूँ, फिर लिखो मिथेन, कोई बोलो किसी को है आइडिया मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, एक कार्बन होना चाहिए ये पता है, अगर एक ही कार्बन है और सी ओ ओ एच ग्रुप भी होना चाहिए तो फॉर्मूला इज एच सी ओ ओ एच, क्या चीज शिवाली तेरी क्लासेस ऑनलाइन लग रही हैं या नहीं लगनी है, क्या शेड्यूल है, क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है। कुछ रह रहा है तो शायद इस तो नोट कर ला।